राम राम आप सभी को कैसे हैं आप सब तो दोस्तों हर रोज़ के मुश्किल से मुश्किल काम को आसान बनाने के लिए आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूं एक ऐसी वीडियो को लेकर जिसमें दिखाए गए टिप्स एंड ट्रिक्स का इस्तेमाल करके आपके रोज के जो मुश्किल काम है वो आसान होने ही वाले हैं आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल टिप्स है जो आपके बढ़ते हुए खर्चों को बचाएगी वीडियो जरा से भी पसंद आए तो वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा और जितने भी लोग चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए तो चलिए आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की इस यूजफुल वीडियो को दोस्तों अगर आपका भी बच्चों वाला घर है तो ये हैक आप ही के लिए है बच्चे अगर पेन को देख लेते हैं वो कॉपी पे उसका यूज़ नहीं करेंगे किसी भी पेपर पर पे यूज़ नहीं करेंगे वो पेन का यूज़ अपने हाथ पैर फेस या अदर बॉडी पार्ट के ऊपर यूज़ करेंगे फिर अगर आप सोचते हैं कि इसको हम कैसे रिमूव करें बच्चे रोएंगे जबरदस्ती करेंगे तो रेडनेस आ जाएगी तो उस टाइम आप इस हैक को यूज़ कर सकते हैं आपको लेना है कोकोनट ऑयल कोकोनट ऑयल की कुछ ड्रॉप्स आप उस एरिया पे डाल दीजिए जहाँ पर बच्चों ने पैन के साथ लिखा हुआ है और हल्के हल्के हाथों से रब कीजिए बहुत आराम से पैन के निशान छूट जाएंगे बिना किसी ज़ोर जबरदस्ती से बिना बच्चों के तकलीफ़ हुए हम उनके पैन के निशान को आराम से हटा पाएंगे ये देखिए रिजल्ट आपके सामने है अभी मैं अपने हाथ में भी ट्राई करूँगी बहुत ईजीली पेन के निशान हमारे हाथ से छूट जाएंगे ऐसे ही बच्चों ने अपने फेस हैंड लेग्स कहीं पर भी पेन के निशान लगाए हों तो आप उसको बहुत आराम से रिमूव कर सकते हैं दोस्तों अगर आपको वीडियो जरा सा भी पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा तो चलिए अभी हम अगला हैक देख लेते हैं दोस्तों बहुत से लोगों का एक क्वेश्चन होता है कि उनके चावल को बहुत जल्दी कीड़ा लग जाता है कुन लग जाता है वो अपने चावल को कीड़ा लगने से कुन लगने से कैसे बचाए एक तो बहुत सिंपल सा हैक है कि आप अपने चावल को टाइम टू टाइम धूप लगवाते रहिए इससे ये होगा कि चावल को कभी भी कुन नहीं लगेगा कीड़ा नहीं लगेगा अगर चांस कुन लग भी गया है तो धूप में रखने से वो कुन निकल जाता है अगर बाय चांस आपको लगे कि बारिश का मौसम है बार धूप नहीं निकल रही है या बरसातें शुरू हो चुकी हैं उस टाइम आप क्या करो तो उस टाइम आप ये वाला हैक ट्राई कर सकते हैं आप अपने जहाँ पर चावल स्टोर करके रखते हैं उसमें एक गिलास या कटोरी डाल लीजिए उसके बाद आप उसमें डाल लीजिए विनेगर जिसको हिंदी में कहते हैं सिरका पहले आप अच्छी तरह गिलास को या कटोरी को बीच में सेट कर दीजिए फिर उसके बीच में आप सिरका डाल दीजिए सिरका डालने के बाद देखना जो इसके बीच में कून लगा होगा वो सिरके की स्मेल से सारा का सारा बाहर निकल आएगा आप उसको पाँच दस मिनट के लिए ऐसे छोड़ दीजिए जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको आधा घंटा के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए आधा घंटा हो जाए तो जो कून ऊपर होगा वो सारा बाहर निकल आएगा फिर आपने क्या करना है गिलास को निकालना है बाहर फिर आप चावल को जो नीचे वाले चावल है उसको ऊपर कीजिए इससे ये होगा कि जो नीचे वाला कुन है वो भी ऊपर आ जाएगा फिर से आप गिलास को बीच में डाल दीजिए फिर से आप सेम चीज़ कीजिए फिर उसको आधा घंटे के लिए छोड़ दीजिए इस तरह से सारा का सारा कुन या कीड़े जो चावल में होंगे वो निकल कर बाहर आ जाएंगे ये वाला हैक ट्राई करके जरूर देखिएगा आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे चलो बढ़ते हैं हम अपने अगले टिप की तरफ दोस्तों जब भी हम ब्रेड के पैकेट को यूज़ करते हैं तो पूरा ब्रेड का पैकेट यूज़ नहीं होता जितना हमें चाहिए हम उतना ब्रेड को यूज़ कर लेते हैं बाकी के पैकेट को हम ऐसे ही फोल्ड करके फ्रिज में रख देते हैं और फ्रिज में ऐसे अगर हम रख देंगे थोड़ी देर बाद ब्रेड का पैकेट खुल जाएगा और जो बीच में ब्रेड होगी वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाती है वो दोबारा आप उसको यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि तो इतनी हार्ड ब्रेड को कौन खाएगा तो उस टाइम फिर आप क्या करोगे आप ब्रेड के पैकेट के पर रबर बैंड लगा देंगे रबर बैंड लगाकर आप ब्रेड को पैकेट को फोल्ड करके फ्रिज में रख दो कि हाँ वो भी अच्छा आइडिया है पर कई बार हमें रबर बैंड ना मिले तो उस टाइम आप क्या करो उस टाइम आप ये वाला हैक ट्राई कर सकते हैं जैसे कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है मेरे बोलने से अच्छा है आप उस वीडियो को पूरा देखिए कि मैंने कैसे ब्रेड के पैकेट को फोल्ड किया है अभी जितना भी हिला लो डुला लो ये ब्रेड का पैकेट ओपन नहीं होने वाला एज इट रहेगा आप इसको उठाकर फ्रिज में रख दीजिए ये ओपन नहीं होगा ना ही हमें रबर बैंड की ज़रूरत पड़ी है और ना ही हमारी ब्रेड हार्ड हुई है ये वाला हैक बहुत यूज़फुल है नेक्स्ट टाइम जब भी आप ब्रेड का पैकेट यूज़ करें बच जाए तो उसको ऐसे ही फोल्ड करके फ्रिज में रखिएगा तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले टिप की तरफ तो दोस्तों प्याज हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है ये जो प्याज है आप इसको कभी भी ऐसी वैसी चीज़ मत समझिए ये हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाता है स्पेशली अभी गर्मियाँ चल रही है गर्मियों से होने वाली लू से हमें ये बचाएगा पर साथ ही साथ गर्मियों के कारण जो हमारे घर में प्रॉब्लम्स आती हैं जैसे कि छिपकली कॉकरेच मच्छर मक्खी ये उनसे भी हमें प्रोटेक्ट करता है तो अभी मैं आपको बताऊँगी कि जैसे गर्मियों का सीजन है छिपकलियां घर में बहुत ही ज्यादा मात्रा में आ रही हैं उस टाइम आप इस हैक को ट्राई करोगे स्पेशली किचन में तो छिपकलियां आपके किचन में एंटर नहीं होगी कई बार ऐसे हम खाने पीने का सामान ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं और उसमें छिपकली मुंह मार जाए तो वो हमारे लिए सही नहीं है उस टाइम अगर आप प्याज का ये वाला हैक ट्राई कर लोगे अपने घर पे अपनी किचन पे तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आप इस तरीके से प्याज की जो छिलकों को सुई धागे में पिरो लीजिए और अपने किचन में कहीं हैंग करके रख दीजिए इससे ये फ़ायदा हो जाएगा कि किचन में छिपकली एंटर नहीं करेगी क्योंकि प्याज एक ऐसी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है जो छिपकलियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आने वाली छिपकलियाँ आपके किचन में बिल्कुल भी एंटर नहीं होगी आप इसको अपने किचन में कहीं भी हैंग कर दीजिए इससे छिपकली आपके किचन में बिल्कुल भी नहीं आएगी आप सेम चीज अपने रूम में अपने बाथरूम में अपने मेन डोर पे भी कर सकते हैं क्योंकि छिपकलियाँ ज़्यादा तो मेन डोर से ही अंदर आती हैं आप वहाँ पर इसको लगा दीजिए खिड़कियों पर इसको लगा दीजिए तो छिपकलियाँ आपके घर पे एंटर नहीं करेंगी आई होप आपको ये वाला हैक भी पसंद आया होगा दोस्तों ये जो फ्रिज है ना ये हमारे बहुत ही काम आने वाली चीज है ये हमारी सब्जियों को तो बचाता ही है खराब होने से साथ ही साथ ये हमारे खाने पीने की चीजों को भी खराब होने से बचाता है और हम अपने फ्रिज को पूरी तरह से लोड कर देते हैं अपने खाने पीने की चीज़ों से सब्जियों से फ्रूट से और इससे ये होता है कि हमारे फ्रिज में से ना बहुत गंदी सी स्मेल आना शुरू हो जाती है उस टाइम आप ये वाला हैक ट्राई करके देख लीजिए आप एक कटोरी में थोड़े से चावल और थोड़ी सी पत्ती को मिक्स करके इस कटोरी को फ्रिज में रख दीजिए जो आपके फ्रिज में बैड स्मेल आ रही होगी ये उसको अपने अंदर खींच लेगा आपके फ्रिज में बिल्कुल भी बैड स्मेल नहीं आएगी आप ये वाला हैक ट्राई करके देखिएगा अगर आप ये हैक ट्राई नहीं करना चाहते तो नींबू हमारे घर में होता ही है आप आधा नींबू ले लीजिए उसको काट कर फ्रिज में रख दीजिए वो भी सेम काम करेगा आपकी फ्रिज में से जो बैड स्मेल आ रही होगी ये उसको भी खत्म कर देगा अगर नींबू सूख भी जाए तो चिंता करने की कोई बात नहीं है फिर भी नींबू अपना काम करेगा ही आप आधा नींबू काट कर फ्रिज में रख दीजिए या फिर आप चावल और पत्ती को मिक्स करके फ्रिज में रख दीजिए दोनों ने सेम काम करना है दोनों में से आपको जो भी हैक अच्छा लगे आप वो हैक ट्राई करके देख सकते हैं तो चलिए दोस्तों ये कुछ ऐसे छोटे चोट छोटे काम के टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आपकी डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हैं उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आए होंगे वीडियो जरा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप मेरी इस वीडियो को कहाँ से वॉच कर रहे हैं तो दोस्तों अभी मैं आपसे लेती हूँ इजाज़त फिर मिलूंगी एक और नहीं धमाकेदार वीडियो के साथ तब तक आप रखिए अपना ध्यान थैंक्स फॉर वॉचिंग